कश्मीर मुद्दे पर शनिवार को ऑल पार्टी डेलीगेशन के कश्मीर दौरे से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हो रही इस बैठक में कांग्रेस नेता अंबिका सोनी, गुलाम नबी आजाद, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, शरद यादव समेत तमाम दलों के नेता शामिल हुए। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी बोले, हुर्रियत को भी बातचीत का न्योता भेजा जाए, पैलेट गन पर प्रतिबंध लगनी चाहिए। एआईएमआईएम प्रमुख असउद्दीन ओवैसी ने सीताराम येचुरी की मांग का समर्थन किया। बैठक के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर पर सबसे बात की जाएगी। ऑल पार्टी डेलीगेशन के कश्मीर दौरे से एक दिन पहले शनिवार को फिर घाटी के कई इलाकों में हिंसक संघर्ष हुए। प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प में कम से कम 20 लोग घायल हो गए। अलगाववादियों ने ऑल पार्टी डेलीगेशन के विरोध में मार्च का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की, जिसमें 20 लोग घायल हो गए। सीबीआई ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कई शहरों में ठिकानों पर शनिवार सुबह छापा मारा। ये छापेमारी मानेसर प्लॉट आवंटन के केस में की गई। हुड्डा के रोहतक, दिल्ली, मानेसर, चंडीगढ़ स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई। हुड्डा के रोहतक आवास पर सीबीआई की रेड में करीब दर्जन से ज्यादा सीबीआई के अधिकारी शामिल थे। भारत और वियतनाम के बीच 12 अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम के दौरे पर है। शनिवार को वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता के बाद इन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आम आदमी पार्टी ने सेक्स सीडी कांड में फंसे अपने पूर्व मंत्री और सुल्तानपुर माजरा से अपने विधायक संदीप कुमार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। शनिवार सुबह हुई पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली राजनीतिक मामलों की समिति ने यह फैसला लिया है। एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रविवार को शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा को वेटिकन सिटी में संत की उपाधि दी जाएगी। ये उपाधि उन्हें 19वीं पुण्यतिथि के मौके पर दी जा रही है। इस समारोह के लिए करीब 1,00,000 लोगों को आधिकारिक इनविटेशन भेजा गया। इस समारोह में सभी देशों से प्रतिनिधिमंडल जाने वाले हैं। भारत की तरफ से इस समारोह में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के भाग लेने की संभावना जताई जा रही है। ओडिशा के मलकानगिरी में एक पिता के अपनी 7 साल की बेटी के शव को 6 किमी तक पैदल ले जाने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस ट्रांसपोर्ट ने उन्हें रास्ते में ही छोड़ दिया था। इससे पहले ओडिशा के ही कालाहांडी में ही दाना मांझी की घटना सुर्खियों में थी। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस ड्राइवर को जब पता चला कि लड़की मर गई है, तो उसने लड़की के माता पिता को एम्बुलेंस से नीचे उतरने के लिए कहा। पश्चिम बंगाल में लगातार 2 विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी को एक और उपलब्धि हासिल होने वाली है। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को चुनाव आयोग से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने वाला। चुनाव निकाय सूत्रों ने एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता के लिए चुनाव चिन्ह आदेश 1968 में बताई गई शर्तों में एक को पूरा कर लिया है। कम से कम 4 प्रदेशों में राज्य को पार्टी के रूप में मान्यता होने की शर्त को तृणमूल कांग्रेस ने पूरा कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की बहाली के बाद भी राजनीति संकट टला नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अब केंद्र सरकार वहां के गवर्नर ज्योति प्रसाद राजभोवा को पद से हटाने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय के कई जूनियर नेताओं और सीनियर अधिकारियों ने राजभोवा तक ये संदेश पहुंचा दिया है। गोमांस की बिक्री में भारत के पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर होने का दावा करते हुए द्वारका शारदापीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि ये दुर्भाग्य की बात है कि गाय की पूजा करने वाले देश की सरकार उसका मांस बेचकर विदेशी मुद्रा कमाने में लगी हुई है।
न्यू साउथ वेल्स स्थित सर्वोच्च न्यायालय ने अखबार द ऑस्ट्रेलियन को भारत के स्कॉर्पियन पनडुब्बी परियोजना के लीक हुए आंकड़ों को और छापने से मना कर दिया है। फ्रांस की जहाज निर्माता कंपनी DCNS ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को जारी अपने प्रारंभिक आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया अखबार से अपनी वेबसाइट से सामग्री हटाने को कहा गया था। ओलंपिक स्वर्ण जीतने का योगेश्वर दत्त का सपना पूरा होते दिख रहा है। भले ही रियो में वे पदक नहीं खा गए हो, लेकिन किस्मत के दांव पेंच से लंदन में जीता गया उनका पदक रजत के बाद अब सोने में तब्दील हो सकता है। 2012 के लंदन ओलंपिक के 7 किलो वर्ग में उपविजेता के बाद अब विजेता पहलवान भी डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। इस शुक्रवार अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की मोस्ट अवेटेड फिल्म अकीरा रिलीज हो गई है। इस फिल्म को समीक्षकों ने देखने लायक बताया है। फिल्म को दर्शकों से भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन पहले दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छी कमाई नहीं की है। इस फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 5 करोड़ की कमाई की है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।